Hi friends, today we learn class 5th Hindi book from Jim, chapter 6, Chitthi ka Safar, Prashna Uttar Tatha Abhyas. So let's start. Chitthi Patri. Prashna 1. Gandhi ji ko sirf unke naam aur desh ke naam ke sare patr kaise pahunch gaya hoga. Ye jo Gandhi ji ko ye patr तरह लिखा था ये सिर्फ उनके नाम और देश के नाम से कैसे पहुंच गया होगा। गांधी जी बहुत ही बहुत मशहूर व्यक्ति थे, इसलिए उन तक उनके नाम के सहारे पत्र पहुंच गया होगा। ये जो गांधी जी थे वो बहुत फेमस थे, इसलिए उनके नाम के सारे उनके पास पत्र पहुंच गया होगा। अगर एक पत्र में पते के साथ का नाम है तो क्या पत्र सही जगह पर पहुंच जाएगा। हाँ, पत्र ठीक जगह पर पहुंच जाएगा। ये जो पत्र है वो पते के साथ उसका नाम भी लिखा है तो पत्र सही जगह पर पहुंच जाएगा। हाँ, वो पहुंच जाएगा। प्रश्न 3, नाम न होने से क्या समस्या आ सकती है? अगर नाम ना हो तो क्या प्रॉब्लम्स आएंगी? नाम न होने से पत्र किसका है ये पता लगाना थोड़ा मुश्किल होगा। अगर नाम नहीं है तो ये पत्र किसका है ये पता लगाना बहुत मुश्किल होगा। पैदल हरकारों को किस किस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता होगा? ये जो पैदल हरकारे हैं उनको किस तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता होगा? सो उत्तर, पैदल हरकारों को कठिनाइयों से भरे रास्तों से जाना पड़ता होगा और उन्हें मौसम की मार भी सहन करनी पड़ती होगी। ये जो पैदल हरकार हैं उनको बहुत कठिनाइयों के रास्तों से जाना पड़ता होगा और मौसम की ये जो मार है वो भी सहन करनी पड़ेगी। चाहे वो कितनी भी गर्मी हो फिर भी जाते हैं, कितनी सर्दी हो कितनी बारिश हो रही हो जाते हैं। प्रश्न 5, अगर तुम किसी को चिट्ठी लिख रहे हो तो पते में या किस क्रम में लिखोगे? गली मोहल्ले का नाम, घर का नंबर, राज्य का नाम, खंड का नाम, कस्बे शहर गांव का नाम, जनपद का नाम नीचे दी गई जगह में लिखो। जैसे पहले क्या चीज लिखोगे? पहले लिखेंगे घर का नंबर, फिर गली मोहल्ले का नाम, खंड का नाम, उसके बाद कस्बे शहर गांव का नाम, जनपद का नाम, राज्य का नाम, ये सब लिखेंगे। हमने पता इस क्रम में इसलिए लिखा क्योंकि पता लिखते समय छोटी भौगोलिक इकाई से बड़ी भौगोलिक इकाई की तरफ बढ़ते हैं। ये पते को हमने इसलिए सही क्रम में लिखा क्योंकि जैसे ये बिल्कुल ही छोटी इकाई है इससे बड़ी बड़ी इकाई पर पहुंचते हैं। अपने घर पर कोई पुराना या नया पत्र ढूंढो। अपने घर पर कोई भी न्यू या फिर ओल्ड लेटर ढूंढो, उसे देखकर नीचे लिखे प्रश्नों के जवाब दो। फिर उस पत्र को देखकर ये नीचे ये जो प्रश्न लिखे हैं इनके ना आंसर दो। पत्र किसने लिखा है? पत्र हमारी बहन ने लिखा, ये मिसप्रिंट है, बहन ई की मात्रा नहीं आएगा। पत्र मेरी सिस्टर ने लिखा। किससे लिखा, किसके लिए लिखा? पत्र हमारी दादी के लिए लिखा, हमारी ग्रैंड मदर के लिए लिखा, ग्रैंड माँ। किस डेट को लिखा? यह पत्र 26 फरवरी 2008 को लिखा। ये जो लेटर है वो 26 फरवरी 2008 को लिखा था। यह पत्र किस डाकखाने में तथा किस तारीख को पहुंचा? ये जो पत्र है वो कौन से डाकखाने में और किस तारीख को
पत्र पहुंचा। यह पत्र रोहिणी डाकखाने में 27 फरवरी 2008 को पहुंचा। ये जो पत्र है वो रोहिणी डाकखाने में 27 फरवरी 2008 में पहुंचा था। यह उत्तर तुमने कैसे पता लगा? ये जो उत्तर है वो तुमने कैसे पता लगा? यह उत्तर हमें पत्र को देखकर पता चल गया। जो आंसर है ये हमें पत्र को देखकर पता चल गए। चिट्ठी भेजने के लिए आमतौर पर पोस्टकार्ड, अंतर्देशीय पत्र का लिफाफा इस्तेमाल किए जाते हैं। अगर चिट्ठी भेजने के लिए हम पोस्टकार्ड या पत्र का लिफाफा इस्तेमाल करते हैं, यूज़ करते हैं। डाकघर जाकर इनका मूल्य पता कर के लिखो। डाकघर जाओ, पोस्ट ऑफिस में जाओ और इनकी ये कितने प्राइस के हैं वो पता करो। पोस्टकार्ड 50 पैसे, ये जो पोस्टकार्ड है वो 50 रुपीज़ का है। अंतर्देशीय पत्र 5, 4 या 5 रुपये का है और लिफाफा 5 रुपये का। नेक्स्ट, डाक टिकट इकट्ठा करो। ये डाक टिकट इकट्ठा करो, 1 रुपये से लेकर 10 रुपये तक के डाक टिकटों को क्रम में लगाकर कॉपी पर चिपकाओ। इकट्ठा किए गए डाक टिकट पर अपने साथियों के साथ चर्चा करो। ये क्या करना है, डाक टिकट इकट्ठा करो, उनको जैसे ये 1 रुपीज़ का, फिर 2 रुपीज़ वाला, इनको ना एक ऑर्डर में लगाओ, फिर उसको अपनी नोटबुक में चिपकाओ, फिर अपने फ्रेंड्स के साथ इसके बारे में कुछ चर्चा करो। अब शब्दकोश मीन्स डिक्शनरी। नीचे शब्दकोश का एक अंश दिया गया है जिसमें संचार शब्द का अर्थ भी दिया गया है। इस शब्दकोश में अंश दिया गया है, उसमें संचार शब्द का भी अर्थ है। संगीतज्ञ, संगीत जानने वाला, संगीत की कला में निपुण। अब संग्रह है, एक जमा करना, इकट्ठा करना, एकत्र करना। प्रश्न, दीपक आजकल पक्षियों के पंखों का संग्रह करने लगा है। ये जो दीपक है ये पक्षियों के पंखों का, मतलब ये बर्ड्स के विंग्स का संग्रह है, ये इकट्ठा करने लग गए इनको। सेकेंड, इकट्ठी की हुई चीज़ें का समूह या ढेर, संकलन, जैसे टिकट संग्रह, निबंध संग्रह आदि। ये जो आप किसी चीज़ को इकट्ठा करते हो उनका समूह या ढेर, जैसे आप टिकट इकट्ठे करते हो, निबंध संग्रह, निबंध और बहुत चीज़ें आप इकट्ठे करते हो। संचार, एक किसी संदेश को दूर तक या बहुत से लोगों तक पहुंचाने की क्रिया या प्रणाली, कम्युनिकेशन। कोई भी लेटर को बहुत दूर तक या लोगों तक पहुंचाने वाली क्रिया, प्रणाली, कम्युनिकेशन। उत्तर, टेलीफोन, टेलीविज़न, सैटेलाइट आदि संचार के माध्यम से दुनिया आज छोटी हो गई है। मतलब ये जो टेलीफोन, टेलीविज़न, सैटेलाइट है और इनसे ये जो दुनिया छोटी हो चुकी है। दो, किसी चीज़ का प्रवाह, चलना, फैलना, जिससे शरीर, जैसे शरीर का रक्त का संचार, विद्युत का संचार। प्रश्न, क बताओ कि कौन सा अर्थ पाठ के संदर्भ से ठीक है। ये आंसर है, किसी संदेश को दूर तक या बहुत से लोगों तक पहुंचाने की क्रिया या प्रणाली, कम्युनिकेशन, पाठ के संदर्भ से ठीक है। ये वाला आंसर कांगे।
वेयर इज इट, ये वाला आंसर ये ठीक है कि ये जो दूर तक, बहुत दूर तक कम्युनिकेशंस, ये वाला संदर्भ से ठीक है। दूसरा, इन पत्रों को ध्यान से देखो और बताओ कि शब्द कोश में दिए गए शब्दों के साथ क्या क्या जानकारी दी गई है। इस पत्र को ध्यान से देखो और बताओ कि शब्द कोश में इसके बारे में क्या जानकारी दी गई है। शब्द कोश में दिए गए शब्दों के साथ उसका अर्थ, वाक्य प्रयोग, लिंग, वचन, पुरुष आदि व्याकरण जानने भागों की जानकारी दी गई है। इस शब्द कोश में देखो इसका वाक्य प्रयोग, इसका सेंटेंस बनाना, इसका जेंडर, लिंग, वचन, सिंगुलर है ये, प्लूरल है, ये जानकारी दी गई है। सो फ्रेंड्स, आवर चैप्टर